तो भाई आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आपने इंडियन कार सिमुलेटर 3D गेम के अंदर मर्सिडीज बेंज एस क्लास आएगी। सो सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा, वीडियो लास्ट तक देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर देने। चलिए वीडियो स्टार्ट लेते हैं। तो भाई मैंने यार आप लोगों को तो पता ही है भाई, मैंने रिसेंट में 2 कार्स का ऑलरेडी मैंने कर लिया है भाई। दोनों की दोनों कार्स फ्लॉप हो चुकी है। एक थी अपनी फोर्ड की फीगो और दूसरी थी अपने मर्सिडीज की ही अपनी जी वैगन भाई। वो दोनों के दोनों फेल हो चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं उनकी हालत भाई बहुत ज़्यादा गंदी है। तो यार उनको तो भाई हम लोग ऐड करा नहीं सकते, लेकिन अगर आप लोगों को एस क्लास जो कि भाई मोस्ट पॉपुलर लग्जरी कार है अपने इंडिया के अंदर अपने 2023 के टाइम पर, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो भाई इस पर एक बार बनाकर देखते हैं कहीं अगर ये काम आ गई तो भाई। और हाँ क्रेटा तो यार मेरी तरफ से कन्फर्म है, अभी अपने जो डेवलपर है उनका क्या है वो खुद जाने, तो मैंने उनको बताया नहीं है अभी, क्योंकि भाई फिलहाल तो है अपने भाई सुप्रा ही ऐड हो रही है। तो भाई इस बात तो यार नहीं बता सकते, सुप्रा के अलावा भाई और कोई कार ऐड हो नहीं सकती। और क्रेटा का अगले अपडेट के अंदर मैं बता दूंगा। मैं तब तक सोच रहा हूँ कि भाई एक और कार को चॉइस कर लेते हैं भाई, कौन सी कार आप लोगों को पसंद है। अगर उनके पास अगर क्रेटा का मॉडल अवेलेबल ना हो तो कोई और कार डाल देंगे, या फिर मतलब अगर वो 2 कार ऐड करने का सोचे तो भाई 2 कार आप लोग हमारे पास मतलब रेडी रहे। और हाँ इंडियन बाइक सीन 3D का अपडेट 14 से 15 तारीख तक आ जाएगा अपने नेक्स्ट मंथ के, तो भाई उसके बाद से अपने कार गेम के ऊपर वर्क स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों को न्यू मैप न्यू सिटी देखने को मिल जाएगा और भाई बहुत ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। मैंने ऑलरेडी चैनल पर एक वीडियो बनाकर बता दिया आप लोगों को कि क्या क्या चीज़ें मैप के अंदर ऐड होने वाली है, तो जाकर आप लोग देख सकते हो उस वीडियो को भी। इसमें मैंने सारी की सारी चीज़ें डिटेल में बताई है जो कि अपने इस अपडेट के अंदर मैप में ऐड होने वाले हैं। तो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर आप लोगों को एस क्लास चाहिए तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो भाई। अगर ऐसे ही भाई यार 150 लोग अगर कमेंट में बताएंगे कि ऐड कर दो तो वो नहीं होगा भाई, कम से कम 200 से 300 लोग को बोलना पड़ेगा। और अगर एक ही बंदा यार स्पैम करेगा तो वैसा होगा नहीं, जिस इस केस में भाई अपने फीगो के साथ भी वैसा ही हुआ था भाई। 300 शायद से एक बंदे ने कमेंट कर दिए थे अकेले भाई, उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि भाई बाकी लोगों ने यार कुछ बताया ही नहीं। तो यार उस भाई को भाई सल्यूट है भाई, 300 या 400 कमेंट किए भाई उसने।